भैया जी, कलेक्टर साहब प्रणाम। नमस्कार। दाता भूदेव सिंह जी हैं। इनके पूर्वज सैकड़ों वर्षों से ये भदौरिया पर राज करते आ रहे हैं। आप तो बस इतना ही समझ लीजिए कलेक्टर साहब की नजर को टोक के और सांस को रोक के बात करते हैं सभी इनसे। मालिक है ये शहर के। अब कुत्ते बताएंगे कि मालिक कौन है? कुत्ते नहीं बताएंगे कलेक्टर साहब, बताएंगे तो मालिक ही बताएंगे कुत्ता कौन है। गोश्त फेंकू या हड्डी भी चाहिए? कितना दूं? 32,38,13,000। इतना एक्साइज भर दीजिए, 7 दिन का वक्त है। एक्साइज हम भरेंगे? हम तो लेते हैं। हम ही स्टेट हैं, हम ही सेंटर है। भूदेव है हम, भूतों का देव। चलो अपना नोटिस वापस ले लो और ताला खोल दो, वरना वरना क्या? अरे आप अभी तक हाथ जोड़ने वाला भूदेव देखे हैं, हाथ काटने वाला नहीं। ये लीजिए, काटिए काटिए। जब हाथ काटने का वक्त आएगा ना, तो तुमको हाथ उठाने का मौका भी नहीं मिलेगा। मौका भी है और वक्त भी। या तो गुंडाई छोड़ दो या शहर, चॉइस इज योर्स। शहर छोड़ दे? ये कलेक्टर का कुर्सी जिस पर तू इतना इतरा रहा है ना, ये सिर्फ 300 साल पुराना है, लेकिन हम 1,000 साल से यहां हैं और यहीं रहेंगे। बताएंगे? राजा राजा होता है और नौकर नौकर। और हां, इसी शहर में तू अपने बहन का ब्याह करना चाहता है ना, तो कर 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 कर, 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 कर। अगर मेरी बहन की खुशी की तरफ आंख उठाई ना, तो तेरे कंधे पर कभी गर्दन भी थी पता नहीं चलेगा। जा जा, सीएम को जाकर कहकर मेरा तपातला करवा दे। नहीं, तबादला नहीं। तबादला तो डरपोक लोग कराते हैं। कहे थे ना, राजा राजा होता है, नौकर नौकर। यहीं रखेंगे तुझे, हमरे जूता के नोक के नीचे। बिल 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 आएगा तू, घटे सांप की तरह रोएगा कि हम काहे इसका बात नहीं माने। ये भूल भूल कर भी मत करना भूदेव। अगर कलेक्टर सरनजीत तलवार यहां टिक गया ना, तो तू भूख के नीचे दबा होगा। नहीं, लेकिन
इतनी जल्दी गुड्डी की शादी कैसे पॉसिबल है? आई मीन कि शादी के इतने सारे अरेंजमेंट्स, कपड़े, गहने, हमें गुड्डी की शादी बहुत अच्छे ढंग से करनी है। आप बिल्कुल सही कह रही हैं, लेकिन आने वाले कुछ माह में कौन साया भी तो नहीं है। नहीं नहीं, लेकिन इतनी जल्दी? ओ परजाई जी, कपड़े वाले, गहने वाले, म्यूजिक वाले, लाइट वाले सब दरवाजे पे ऐसे खड़े होंगे। हाँ भाभी जी, सब ऐसे खड़े होंगे जैसे नेता बन के ऐसे। खुटी, तो फिकर क्यों करती है? तेरा प्राय है ना, देखें तेरी शादी कितनी धूमधाम ना लोगी, सारे देख दे रह जाएंगे। नहीं वीर जी, मैंने भी शादी नहीं करनी, मैं थोड़े नाल ही रहूंगी, मैं थोड़े छोड़ के किधर नहीं जावांगी, किधर नहीं जावांगी, किधर नहीं जावांगी। भैया पुलिस पार्टी लेकर आ रहे हैं, कलेक्टर साहब एक और नोटिस भेजवाए हैं। भैया जी प्रणाम। दादा साहब। पापा। अरे बेटी कहाँ जा रहे हो? पापा मैं स्कूल जा रही हूँ। बाय बाय। अरे बेटी एक मिनट। क्या हुआ पापा? ये का है हाँ? चलो ध्यान रखा करो। भैया जी वो कलेक्टर हमारे सब हथियार के लाइसेंस रद्द कर दिए हैं, एएसपी को भेजे हैं हथियार जब्त करने। दादा साहब आई एम सॉरी, हम कुछ नहीं कर सकते, देखिए हम मजबूर हैं। ए हरामखोर, पुलिस वाले पे हाथ उठाता है। दादा साहब ये का किए हो? गोली चला दिए, एसपी के मुंह पे चमाट मार दिए। अगर ये बात मीडिया में फैल गई और उस एसपी की बीवी अगर भूख हड़ताल पर बैठ गई तो जानते हैं कितना बड़ा बवाल हो जाएगा, अरे गिरफ्तारी करानी पड़ेगी। ए मुख्यमंत्री, मुख्यमंत्री हमरे पेट में तुम्हारा बच्चा है, हम जन दिए ना तो ना कुर्सी रहेगा ना पिछवाड़ा, पब्लिक मारेगा सो अलग। हमारे पास 27 MLA और 5 MP है, हमारा का उखड़ेगा अपना सोच। अरे दाता साहब, दाता साहब, आपका हमरा बरसों का नाता है, हम तो आपको स्थिति परिस्थिति से अवगत करा रहे हैं। आप चिंता नहीं ना करिए, बीजी साहब हमारे सामने ही बैठे हैं, हम सब संभाल लेंगे। हम जानते हैं उस कलेक्टर ने आपको बहुत दुखी किया है, तबादला करवा देते हैं उसका। ना तबादला, ना तबादला, ना जूते के नोक के नीचे रखेंगे उसे। दाता साहब काहे जिद पकड़ते हैं? अरे हम कोई नेता नहीं है जो लोटा के तरह लुढ़क जाते हैं, राजा है राजा, जिद पालते हैं बस। तुम सरकार के आंख पर पट्टी बांधो, हम करेंगे जो हमें करना है। अब जब पब्लिक बहुमत नहीं देती तो क्या करें, ऐसे लखेड़ों का सुनना पड़ता है। अब कस ससुरी पब्लिक। साला हराम सादा कलेक्टर की बहन को बहू बनाने चला, साले खोपड़िया में गोली डाल के खोल देंगे। कब है शादी? दादा साहब हम शादी तोड़ देंगे। दादा साहब क्या है शादी तोड़ेगा, चल हट। वाह भैया वाह, कलेक्टरवा को माफ कर दिए, कलेक्टरवा है बहुत बढ़िया आदमी। अबे चुप गधा, अगर तुम्हारे बाप ने हमको गोदी में खिलाया नहीं होता तो तबेले में भैंसवा के साथ बांध के रखते। अरे क्या है बयान ही करोगे, कलेक्टरवा को संबंधी बना रहे हो, अब तोहरा कौन का बिगाड़ सकता है? कितना पहरा होगा, पुलिस, मिलिट्री, मेटल डिटेक्टर सब होगा, गोली छर्रा कट्टा कुछ नहीं कर पाएगा। बड़े आदमी बन गए हो, इसीलिए तो तुमको बुलाएं। ललन भैया जी, शादी में रस्म होता है ना मीठा खिलाने का, दुल्हा दुल्हन को ई मीठा में मिला के कलेक्टरवा के बहिनिया को खिला देना, अगर नहीं खिलाया या ये खबर कलेक्टरवा या किसी के कान में पहुंच जाया
तो हमें इसे तुम्हारी बेटी, दामाद और नाती को खिलाना होगा। दादा साहब, इसमें क्या है? जहर। ओम स्वस्ति न इंद्रो वृद्धशवाहा स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तारक्षो हरिष्ठनेहि। ओम शांताकारं। आप भी सभी की तरह कैसे और बहू को खिलाएंगे? लाइए, हमें खिलाइए। अरे, मुझे कोई खिला ही नहीं रहा है। यहीं रखी थी? यहीं रखे थे हम लिबिया को। कोई खाना नहीं खाएगा, अपनी प्लेस यहीं छोड़ दो। कोई खाना नहीं खाएगा। सर, भूदेव का फोन है। भूदेव, ओए कहाँ है तू? मैं मार दूंगा सारे तेरे को। तू तो मारेगा, हम तो मार दिए। ऐसे फोड़े हैं, ऐसे फोड़े हैं कि तुम फड़ 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 आएगा। अरे ससुरे, जहर तो हमको डालना था तुमरे जीवन में, हमरा आदमी डालकर चला गया। जरा देख घूम कर। Congratulations. Thanks. कैसे हैं आप लोग? हम सब ठीक हैं। बहुत अच्छी प्रिपरेशन हुई है यार। थैंक यू वेरी मच। सरनजीत कितने रहे? ओ, थे ने। Thank you.
संभाल के ऊपर जाइए। अरे बिजली क्यों गई? लगता है ट्रांसफार्मर जल गया सर। आज सब तो सारा जनरेटर। जनरेटर कैसे ऑन होगा? इले दादा का फोन है, बात कर। कैसा प्रशासन है तुम्हारा? अस्पतालों में बिजली नहीं है। अरे दूसरे का मामले में टांग अड़ाता है, पहले अपना व्यवस्था ठीक कर। अरे फोन पे क्या बात करते हैं सामने आप? काहे बार बार धमका रहा है? आकर मारना, हम दिल्ली में बैठे हैं, आकर मार। लेकिन तब तक तेरी जोरू मर जाएगी। रॉन्ग डिसीजन। कहा था ना तुमसे कि तुम बिल बिलाओगे, रोओगे हमरे जुत्ते की नोक के नीचे। अब तो हमरा बात मान ले। भंवर सिंह हमें लिफ्ट से बाहर निकालो। हाउस माय वाइफ। सर जहां तक हो सका हमने पॉइजन निकाल दिया है, पेशेंट को आईसीयू में शिफ्ट कर दिया है, लेकिन कोरोसिव पॉइजनिंग की वजह से काफी हद तक इंटेस्टाइन जल चुकी हैं। होश में आने के बाद पेशेंट को अनबेरेबल पेन होगा एंड सर जान बचाने के लिए इमीडिएट सर्जरी इज रिक्वायर्ड। देन गेट द सर्जरी डन। सर दिस इज हाईली स्पेशलाइज्ड सर्जरी, ओनली सर्जन आनंद कैन डू इट। देन गेट डॉक्टर आनंद। सर वी आर ट्राइंग टू कॉन्टेक्ट हिम बट वी आर नॉट गेटिंग हिम ऑन द लाइन। गेट डॉक्टर आनंद। सर बट सुने उनके बिटुआ का अपहरण हो चुका है कलेक्टर साहेब। डॉक्टर आनंद कहाँ है? अरे 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 कलेक्टर साहब, इस बेचारे का टेटुआ दबा कहाँ होगा? ऑपरेशन तो डॉक्टर आनंद ही करेंगे ना। तू बता डॉक्टर आनंद कहाँ है? डॉक्टर आनंद पहले अपना बेटुआ को छुड़ाएंगे, फिर यहाँ आकर भौजी का ऑपरेशन करेंगे ना। टेटुआ टेटुआ छोड़िए। अरे कलेक्टर मजा आ रहा है ना? हरामजादे मैं तेनु छोड़ा गिनी मेरी हो गया ना। इसको लेकर जा। सिमर चलो यहाँ से। चलो वही नहीं बिल मिला रही है। हो रहा है ना अफसोस, हमारा बात काय नहीं माना रे। तू चाहता क्या है? गुड बॉय, अब बात समझ में आया। अरे ओ सुल्तनवा। हाँ दादा साहब। पहले एक चमाट मार साले की गाल पर। अब मालिक का बात सुनेंगे नहीं तो क्या करेंगे? क्यों कर रहा है चाटा मार? चाटा मार जल्दी से। सिमर छोड़ो मुझे। ए दादा साहब, ये थप्पड़वा का गुण सुनाई दिया ना। और एक उधार बाकी है, इसका हाथ जो काटना है। अरे ओ वकीलवा, काट कलेक्टरवा का हाथ। ये लीजिए कलेक्टर साहब, ये आपके फैक्ट्री के बहाली का ऑर्डर है और ये है आपका माफीनामा। साइन कीजिए साइन। अब तू यही सोच रहा होगा कि अपना ईमानदारी बचाएं या बीबी को। अरे ईमानदारी के घास का रोटी का खाएगा? बीबी मरेगी तो वापस नहीं आएगी, चरित्र ऊपर नीचे हो गया तो फिर भी वापस आ जाएगा। पहले बीबी को बचाओ। अब तू यही सोच रहा होगा कि अपना ईमानदारी बचाएं या बीबी को। अरे ईमानदारी के घास का रोटी का खाएगा? बीबी मरेगी तो वापस नहीं आएगी, चरित्र ऊपर नीचे हो गया तो फिर भी वापस आ जाएगा। पहले बीबी को बचाओ। मैं वचन देता हूं
अपनी पत्नी के जीवन की रक्षा करना मेरा धर्म होगा। इस वचन के साथ ही मैं तुम्हें स्वीकार करता हूँ। मैं वचन देता हूँ अपनी पत्नी के जीवन की रक्षा करना मेरा धर्म होगा। आनंद वेयर इज शी इन द आईसीयू कम डॉक्टर लेट्स गो